खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और आतंकी संगठन जैश मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर जिंदा है। इस बात की पुष्टि पाकिस्तानी मीडिया की एक खबर में अजहर के परिवार के करीबी सूत्रों के हवाले से की गई है। वहीं पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने भी मसूद अजहर को मौत की खबर को झूठा बताया है। भारत द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक करने के बाद ये खबर आई थी कि आतंकी संगठन जैश के मुखिया मसूद की तबीयत खराब हो गई है, जिसे रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद रविवार को ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल की, मसूद की मौत हो गई है, जिसे बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने खारिज कर दिया। हालांकि वास्तविकता को लेकर अभी किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने संसद हमले के मुख्य आरोपी आतंकी मसूद के परिवार के करीबी अज्ञात सूत्रों के हवाले देते हुए कहा कि वह अभी जिंदा है, हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की खबर नहीं मिली है। इधर पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार ने भी अजहर को लेकर चुप्पी साध रखी है। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने अजहर की मौत के दावों वाली मीडिया रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कुछ बताने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे इस समय कुछ भी मालूम नहीं है। इधर नई दिल्ली में भारतीय खुफिया एजेंसियों आतंकी मसूद अजहर की मौत के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है कि अजहर का सेना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके गुर्दे खराब हो चुके हैं। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर का रहने वाला है। उसने सन 2000 में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन को बनाया था। वर्ष 1999 में तत्कालीन एनडीए की सरकार ने हाईजैक किए गए इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को छुड़ाने के बदले अजहर को छोड़ दिया था। बता दें कि 50 साल के आतंकी मसूद पर 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले की साजिश रचने का, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आत्मघाती हमले और पठानकोट वायुसेना केंद्र तथा पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रचने के भी आरोप हैं।